नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भयावह ढंग से फैल रहा है जीका, भारत के लिए भी खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि जीका विषाणु भयानक तरीके से अमेरिकी देशों में फैल रहा है और 40 लाख तक लोगों को संक्रमित कर सकता है। संगठन ने भारत सहित उन सभी देशों को एक चेतावनी जारी की जहां एडीज मच्छरों के वाहक पाए जाते हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया को भी जन्म देते हैं। दोनों ही बीमारियां भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। जीका का प्रकोप पिछले साल ब्राजील से शुरू हुआ और 24 अमेरिकी देशों में फैल चुका है। रामदेव के पतंजलि केश कांति का विज्ञापन भ्रामक। बाबा रामदेव को उस समय बड़ा झटका लगा जब भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने पतंजलि आयुर्वेद के बालों के तेल उत्पाद केश कांति संबंधी विज्ञापन को भ्रामक पाया। केश कांति के विज्ञापन में इसे दो मुहे व बाल झड़ने का उपचार करने वाला तेल बताया गया है। परिषद का कहना है कि कंपनी विज्ञापन में किए गए दावों के समर्थन में कोई क्लिनिकल साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। इसके साथ ही परिषद ने भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, बजाज ऑटो, निसान मोटर तथा इंडिगो एयरलाइंस सहित विभिन्न कंपनियों के 37 विज्ञापन अभियानों के खिलाफ शिकायतों को सही पाया। उक्त कंपनियों के विज्ञापन भी भ्रामक बताते हुए शिकायतें की गई थी। अब माह में सिर्फ 6 बार बुक होंगे ई टिकट। IRCTC की वेबसाइट से कोई भी यात्री महीने में सिर्फ 6 बार ही ई टिकट बुक कर सकेगा। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ई टिकट बुकिंग की वर्तमान प्रणाली के तहत IRCTC की वेबसाइट से एक महीने में 10 बार टिकट बुक की जा सकती थी, लेकिन 15 फरवरी से इसे घटाकर 6 बार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ई टिकट बुकिंग के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिहाज से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सामान्य यात्रियों को महीने में 6 बार से ज्यादा टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने बताया कि टिकट बुकिंग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 90% उपभोक्ता महीने में 6 टिकट बुक करते हैं, महज 10% लोग ही 6 से ज्यादा टिकट बुक करते हैं।